हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नॉन कैनोनिकल फॉर्म क्या कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि एस ओ पी को पी ओ एस में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और पी ओ एस को एस ओ पी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग या तो पी ओ एस के रूप में या फिर एस ओ पी के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जो पी ओ एस का जो टर्म कहलाता है उसको मैक्स टर्म कहते हैं, जो एस ओ पी का टर्म कहलाता है उसको मेन टर्म कहते हैं। तो इन्हों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनी बुलियन फंक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ मेन टर्म्स और एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो कोई भी आपके पास वेरिएबल्स हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी वेरिएबल्स हैं, अब इसका जो है ना मेन टर्म आपको लिखना है, तो मेन टर्म का मतलब होता है इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए और उसको सम कर दीजिए। तो जैसे कि हमारे पास ए और बी का जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे ए सी डी का जो है ना प्रोडक्ट कर दिए, यहाँ पे हम एक सी यहाँ पे डी एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम एक और टर्म ले लिया यहाँ पे, उसके बाद प्लस ए बी सी डी, तो ये आपका क्या कहलाएगा मेन टर्म। यहाँ पे आपका ए बी भी मेन टर्म है, ए सी डी भी मेन टर्म है और ए बी सी डी भी मेन टर्म है, और इन सभी को हम लोग कलेक्शन करते हैं तो इसी को बोलते हैं एस ओ पी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम। तो प्रोडक्ट 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 और इन सभी का सम कहलाता है एस ओ पी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा जिसको बोलते हैं सम, चूंकि सम कर रहे हैं, और या फिर इसके जो मेन टर्म होते हैं इस मेन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अब इसके बात करते हैं मैक्स टर्म का। मैक्स टर्म क्या होता है, अगर ए बी सी डी आपके पास चार वेरिएबल हैं तो इसका जो मैक्स टर्म होगा, जैसे कि हमारे पास ए प्लस बी हो सकता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का, तो ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन। इसमें क्या किए हैं, पहले सम किए हैं और बाद में क्या किए हैं प्रोडक्ट किए हैं, इसलिए इसको बुलाता है पी ओ एस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट मीन्स कि सम का प्रोडक्ट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो टर्म होते हैं उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल एम है और यहाँ पे कैपिटल एम, दैट मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को आप इन दो रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक होता है मेन टर्म्स का सम। तो मेन टर्म्स का सम ये आपका हो गया, ये मेन टर्म्स का सम हो गया, और फिर कहता है कि आप मैक्स टर्म के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका मैक्स टर्म का प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे पहले सम होंगे या फिर बाद में प्रोडक्ट होंगे, और ये हो गया आपका सम ऑफ मेन टर्म्स। मेन टर्म में क्या होते हैं कि सभी वेरिएबल पहले प्रोडक्ट होते हैं फिर बाद में सम होते हैं। इसको मेन टर्म इसलिए कहता है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। जैसे कि हमारे पास चार वेरिएबल है ए बी सी डी का, यहाँ हो गया, इसमें से मेन टर्म कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें से कोई भी एक जीरो हुआ तो पूरा फाइनल वैल्यू ही आपका जीरो रहता है, इसलिए इसको मेन टर्म कहा जाता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे वही वेरिएबल हम ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी ले रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई भी एक हुआ तो फाइनल वैल्यू इसका वन मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, और ये होता है आपका मेन टर्म। तो मेन टर्म मैक्स टर्म क्यों कहते हैं समझ में आ गया, जब प्रोडक्ट में आपका वेरिएबल होगा तो मेन टर्म कहलाएगा, और जब पहले सम होगा बाद में प्रोडक्ट का उसको मैक्स टर्म कहेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू मैक्सिमम आता है, अगर एक भी वन हुआ तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे एक भी जीरो हुआ तो मिनिमम हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं मेन टर्म और मैक्स टर्म। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म। अब हम लोग समझते हैं कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। कहा जाता है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को आप मेन टर्म्स के सम के रूप में या नेक्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और वहीं आपका कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। तो कैनोनिकल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एस ओ पी या फिर पी ओ एस, इसका जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और सी तीन वेरिएबल हम यहाँ पे ले रहे हैं, और इसे हम जो है ना एक मेन टर्म का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एस ओ पी। तो एस ओ पी में हम यहाँ पे लिख लिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, दैट मींस कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एस ओ पी तो है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कैसे पहचाने हैं कि स्टैंडर्ड है, तो देखिए यहाँ पे ए बी है लेकिन सी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बी सी है लेकिन ए मिसिंग है, यहाँ पे सब कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें जो है ना अगर यहाँ भी ए बी सी हो जाता, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, यहाँ भी ए बी सी हो जाता और यहाँ भी ए बी सी हो जाएगा, तो आप इसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म हो सकता है, अभी सब सब क्या है, सबके सब नॉर्मल फॉर्म में है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी का, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल में हो या कॉम्प्लीमेंट में हो, लेकिन हो सभी सभी टर्म में सभी वेरिएबल अगर अवेलेबल हो तब इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है आपका क्या, तो कैनोनिकल फॉर्म। तो हम समझते हैं कि आप कैनोनिकल फॉर्म समझ चुके हैं, क्लियर है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी या पीओएस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी टर्म होंगे, चाहे वो मैक्स टर्म हो या फिर मेन टर्म हो, उसमें सभी वेरिएबल अवेलेबल होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। अब ये जो कैनोनिकल फॉर्म है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैनोनिकल फॉर्म को कहा जाता है कि वो दो टर्म का जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से हम लोग ये समझे कि कैनोनिकल फॉर्म जो होता है वो मेन टर्म या मैक्स टर्म का जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म लेता है, यानी कि एसओपी हो स्टैंडर्ड में हो या फिर पीओएस हो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म जो होता है ना वो मेनली इन्वॉल्व होता है मेन टर्म और मैक्स टर्म में, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का मेन टर्म के रूप में इन्वॉल्व होगा कैनोनिकल फॉर्म या फिर मैक्स टर्म के रूप में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि क्या स्टैंडर्ड जो एसओपी है या पीओएस है उसको हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मींस कि आप क्या एसओपी अगर है जिसको आप इसमें मेन टर्म के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, क्या इसको हम पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर हाँ है, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपके पास पीओएस है तो क्या एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका कुछ रूल्स सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एग्जांपल के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ कन्वर्सन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स, इसमें कहा जा रहा है कि देयर आर टू स्टेप्स टू फॉलो टू कन्वर्ट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे मेन टर्म में और मैक्स टर्म में। अगर मेन टर्म मैक्स टर्म समझ में आ गया तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेन टर्म का मतलब कि जो भी टर्म होंगे वो प्रोडक्ट के रूप में होंगे या बाद में सम किया रहेगा, और मैक्स टर्म का मतलब पहले सम में होंगे बाद में प्रोडक्ट किया हुआ रहेगा, और जो मेन टर्म होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, एसओपी का होगा, मैक्स टर्म का कॉम्बिनेशन पीओएस का होता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आगे सब कुछ क्लियर होगा। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा तो आगे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए पहले उसको आप समझ लेंगे। यहाँ पे दो टर्म है और दो स्टेप्स हैं, हम लोग समझते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इंटरचेंजिंग द ऑपरेशनल सिंबल सिग्मा एंड पाई, देखिए यहाँ पे जो मेन टर्म का कॉम्बिनेशन होता है एसओपी, उसको हम लोग कन्वर्ट करके जब लिखते हैं तो वो हमारा उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं एसओपी को सिग्मा से, क्योंकि हम लोग सारे टर्म को प्रोडक्ट करने के बाद लास्ट में सम कर रहे हैं, इसको सिग्मा से, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम करना। और जब पीओएस बनाते हैं यानी कि सभी टर्म को सम करने के बाद लास्ट में प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करते हैं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई का मतलब प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब सम करते हैं। यहाँ पे जो मेन टर्म होते हैं उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप हो गया कि आप या एक्सचेंज करेंगे, या तो सिग्मा है तो पाई में कन्वर्ट करेंगे या फिर पाई है तो सिग्मा में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सिग्मा है तो इसको आप बोल रहे हैं एस ओ पी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर पाई है तो इसको आप बोल रहे हैं पी ओ एस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, इस तरह से जो है ऐसा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि अगर आपका टर्म जो है ना एस ओ पी में दिया हुआ है और पी ओ एस में कन्वर्ट करना है, तो आपको देखना है कौन सा ऐसा टर्म है जो एस ओ पी में प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें प्रेजेंट
नहीं है तो वो कंफर्म है कि वो पीओएस का पार्ट होगा। अगर आपको पीओएस में दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि इसमें पीओएस में कौन सा टर्म नहीं है, अगर वो नहीं है तो आपको एसओपी में दिया हुआ होगा। तो इस तरह कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप जो है ना कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे इस आपके सिंबल्स को एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में राइटिंग द इंडेक्सेस, एक इंडेक्स लिखेंगे ऑफ द टर्म दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन दिया गया है उसमें आप ये देखेंगे कौन सा टर्म जो है ना प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है उसको लिखेंगे और वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब कैसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे हम लोग इसको मिसिंग टर्म को निकालें या कौन प्रेजेंट नहीं है कैसे देखेंगे, उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहाँ दो ही स्टेप आपको देखना है कि आपको सिंबल को एक्सचेंज कर देना है और देख लेना है कि मिसिंग टर्म कौन है और उसको लिख लेना है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कन्वर्सन ऑफ एस ओ पी टू पी ओ एस। यहाँ पे टू पी ओ एस, एस ओ पी से क्या हो जाएगा पी ओ एस में हमको कन्वर्ट करना है। तो एस ओ पी से पी ओ एस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ये पता है कि पहले जो है एस ओ पी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और पी ओ एस को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। तो पहले तो हम लोग को सिग्मा में दिया रहेगा, कन्वर्ट किस में करना होगा पाई में। तो क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा दिया गया है। तो एस ओ पी फंक्शन फंक्शन एफ है सिग्मा ए बी सी। यहाँ पे देखिए तीन वेरिएबल आपके पास है ए और बी और सी और इसमें दिया हुआ है 0, 2, 3, 5, 7 अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी तीन वेरिएबल है तो आपको देखना होगा टोटल वेरिएबल कॉम्बिनेशन कितना बन सकते हैं। तीन वेरिएबल मतलब 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा 8। 8 में से कौन कौन बन जाएगा आपका, तो 0 से लेकर 7 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक बनेगा। अब इन सभी में से आपको देखना है कि कौन इसमें एबसेंट है, जो एब्सेंट होगा उसी को आप लिखेंगे आंसर में। तो एब्सेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सचेंज करेंगे पाई में कर देंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ए बी सी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या ए बी सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एब्सेंट कौन कौन है, तो एब्सेंट है आपका देखिए 0 है तो 0 है यहाँ पे, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 नहीं है उसमें। फिर 2 है 3 है 4 यहाँ आ जाएगा, 5 है 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 और 7 है ये है। तो ये दोनों मिल करके जो है ना इन पूरे कॉम्बिनेशन को फुलफिल करेंगे तो ये जो है ना आपका आंसर होगा। ये इतना आसान है, आप देख पा रहे हैं कैसे बनाएंगे। देखिए ये एक्सप्रेशन आपको इस रूप में मिल सकता है या फिर इसको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे 0 है तो 0 को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा मीन टर्म के रूप में ए बी सी, और चूंकि 0 है तो तीनों क्या होगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि 0 को हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0 0 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0 1 0 लिखते हैं, ये आपका 2 के बराबर होता है। यहाँ पे 3 है तो 0 1 1 लिखते हैं, ये आपका 3 के बराबर होता है। और 5 है तो 5 को लिखते हैं 1 0 1, ये आपका 5 के बराबर है। और यहाँ पे 7 है तो 1 1 1 3 हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। अब इसको आपको लिखना है ए बी सी डी वेरिएबल के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ए है यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी प्रेजेंट है तो बी हो जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। मतलब कि इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, दिया कैसे रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और प्लस ए बी सी। इस तरह से आपको दिया हुआ रह सकता है एक फंक्शन। और इसको क्या कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका पहले आप ये निकाल लेंगे, आपका बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, उससे आप देख लेंगे कौन कौन से एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा जो है ना इसे कन्वर्ट कर लिए और इसको जो है ना आंसर अगर ए बी सी के रूप में लिखना है तो 1 को लिखेंगे और 1 का लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसको जो है ना प्रोडक्ट कर देंगे 4 का लिखेंगे और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 6 का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1 का, तो 1 का मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं अभी मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म में जो नंबर आता है वो सम में आता है और सम में यहाँ पे जस्ट मीन टर्म का उल्टा लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखना है तो 1 का मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल आएगा, ए बी सी सभी में आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आपको जो है ना यहाँ पे चूंकि प्लस में लिखना है तो सबको प्लस करना है, सबको क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे मैक्स टर्म में और मैक्स टर्म में आपका वेरिएबल प्लस में जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अभी हम सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं फिर ए प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए मैक्स टर्म में क्या होता है कि मैक्स टर्म में हम लोगों को जो है ना जीरो लाना होता है, जीरो पुट करना होता है। तो यहाँ पे वन है मतलब कि सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वन यहीं पे लिखेंगे, यानी कि वन यहाँ पे लिखते हैं ना जीरो जीरो वन, ये वन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये अब जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे लिखना है फोर, तो फोर लिखते हैं वन जीरो जीरो लिखते हैं, दैट मीन्स कि ये तो दोनों जीरो है ही, इसको जीरो करना तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। इसको सिक्स को लिखते हैं हम लोग वन वन जीरो, तो यहाँ पे ठीक है इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर, ये आपका जो है ना फाइनल आंसर हो जाएगा, इसका जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका मैक्स टर्म के रूप में हो गया, ये मैक्स टर्म के रूप में हो गया। और इसी को अगर आप मेन टर्म में लिखते हैं, इसी को मेन टर्म लिखते हैं, तो आप इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी और ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी और यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका हो जाएगा मेन टर्म का कलेक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे एस ओ पी, और ये हो जाएगा आपका मैक्स टर्म का कलेक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे पी ओ एस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर ये वाला लिखना था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट है उसको कैसे लिखेंगे, जो एब्सेंट है कैसे लिखेंगे। मेन टर्म है, मैक्स टर्म जस्ट अपोजिट है। मेन टर्म में हम लोग सारे वैल्यू को देखते हैं कि कंप्लीमेंटेड को, मेन टर्म में देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मैक्स टर्म में हम लोग एक का वैल्यू लिखेंगे जीरो और एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका वन, इस तरह से जो है ना हम लोग वैल्यू लिखेंगे इसका, ये मैक्स टर्म के लिए हो गया। लेकिन अगर आप मेन टर्म के बारे में बात करेंगे तो ये समझ लीजिए मेन टर्म का मतलब हो गया, मेन टर्म का जो नॉर्मल वैल्यू है वो वन होगा और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जीरो हो जाएगा। और मैक्स टर्म में अभी हम लोग देखे कि मैक्स टर्म में जो नॉर्मल वैल्यू होगा वो जीरो मान के चलेंगे और जो कॉम्प्लीमेंटेड होगा उसको वन मान के चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि मेन टर्म में मैक्स टर्म में क्या करेंगे। तो ये मैक्स टर्म का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, तो पी ओ एस कहलाता है और मेन टर्म का कॉम्बिनेशन एस ओ पी कहलाता है। तो हम समझते हैं कि अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार इसको ये फिर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर के तो आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, यहाँ पे हम लोग किए थे मेन टर्म से मैक्स टर्म में, अभी हम लोग करने जा रहे हैं मैक्स टर्म से मेन टर्म कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्सन ऑफ पी ओ एस टू एस ओ पी, यानी कि यहाँ पे मैक्स टर्म पहले से आपको दिया है, मैक्स टर्म दिया रहेगा क्योंकि पी ओ एस का मतलब मैक्स टर्म का कॉम्बिनेशन, तो आपको कन्वर्ट करना है एस ओ पी में मतलब कि मेन टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या हमारा है, तो एक फंक्शन है और इसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल का मतलब 2 के पावर 3 कॉम्बिनेशन बनेगा 8 और ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6 7, ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन। अब इसको देखना है कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन एब्सेंट है, तो इसको आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से भी आपको एक इनमें से कोई मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, और अगर इस तरह का मिलता है तो आप सीधे जो है आंसर निकालेंगे और इस रूप में आप उसको प्रेजेंट करेंगे। कैसे बनेंगे इसको देखिए, तो सबसे पहला हमारा रूल था क्या, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक्स कमा वाई कमा जेड आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना आपको देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो आपके पास एबसेंट है, यानी कि इसमें जो है ना कौन ऐसा है जो इसमें एबसेंट है, तो इसमें जो भी एबसेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दो है, उससे पहले 0 1 नहीं है, तो 0 और 1 हम लोग यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, 0 और 1 इसमें होगा यानी कि मेन टर्म के रूप में होगा। उसके बाद जो है ना आपका ये 3 है 2 है 3 है 4 नहीं है, तो 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 0 हो गया 1 हो गया एबसेंट था उसमें, फिर 4 एबसेंट है और फिर 6 और 7 एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपका 6 और 7 दिया गया। तो ये आपका हो गया मैक्स टर्म, सॉरी मीन टर्म, ये हम लोग को पहले दिया था मीन टर्म, सॉरी मैक्स टर्म दिया था, मैक्स टर्म दिया था, देख रहे हैं सबको एडिशन के रूप में दिया हुआ है, हम निकाल के आ रहे हैं तो मीन टर्म निकाल रहे हैं, तो ये हमारा मेन टर्म हो गया। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी डी के एक्स वाई जेड के रूप में। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 को लिखेंगे 0 0 0 और उसके बाद जो है ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 को लिखेंगे 0 0 1, बाइनरी आपको कन्वर्सन आना चाहिए अदरवाइज आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 7 को लिखेंगे 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 को लिखते हैं 3 बिट में 1 1 1।
हो जाएगा आपका 111। ये आपका 111 का मतलब हो गया 7, 110 का मतलब हो गया 6, 101 का मतलब हो गया 5, 100 का मतलब हो गया 4, 011 का मतलब हो गया 3, 010 का मतलब हो गया 2, और 000 मीन्स हो गया सॉरी 0। यहाँ पे 1 होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 000 का मतलब 0 हो गया। तो ये बाइनरी कन्वर्शन है डेसिमल टू बाइनरी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। ये आपको कम से कम 15 तक जो है ना 0 से लेकर के और 15 तक जो है ना आपको याद होना चाहिए कंट्रास्ट के कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी सी एक्स वाई जेड के रूप में, तो ये तीनों का जगह एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और जेड कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट होगा, जेड रहेगा, प्लस यहाँ पे एक्स तो रहेगा, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ पे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई और जेड तीनों वन है। तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर हमारा ये आ गया आपका मेन टर्म के रूप में। तो बहुत ही इजिली आप कर पाएंगे इन सभी क्वेश्चन को।